नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम एक जरूरी मुद्दे के बारे में आज बात करेंगे जो कि कोर्ट पहुंच चुका है। सोशल मीडिया से उठकर एक मुद्दा कोर्ट जा चुका है और अब कोर्ट उसका फैसला करेगा कि सच्चा कौन, झूठा कौन, किसने ट्वीट किया, किसने रिट्वीट किया, किसने ब्लॉगिंग की, किसने पोस्ट बनाई, किसने फेक बात की। अब मुद्दा ये है कि ध्रुव राठी नामक एक वीडियो ब्लॉगर ने एक वीडियो बनाया। वो वीडियो था बीजेपी आईटी सेल को एक्सपोज करते हुए, जिसमें उसने कुछ मनगढ़ंत बातें रखी, कुछ मनगढ़ंत झूठी कहानियां बताई, किस्सों को, मुद्दों को तोड़ मरोड़ के बताया और उसने बीजेपी आईटी सेल को जो है बदनाम करने की भरपूर कोशिश की। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये आम आदमी पार्टी के इशारे पर काम करता है ध्रुव राठी। इसके बारे में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, वह वीडियो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब बारी आती है ध्रुव राठी के वीडियो की अगली कड़ी की। उसमें उसने एक कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई, जिसे आप स्टिंग कॉल रिकॉर्डिंग कह सकते हो। वह कॉल रिकॉर्डिंग ऐसी थी कि अभिषेक मिश्रा का कॉल आता है महावीर प्रसाद को, और वो दोनों जो है एक शख्स का नाम लेते हुए बात करते हैं, विकास पांडे। विकास पांडे को ये कहा गया कि ये बीजेपी आईटी सेल के सेकेंड इन कमांड है और ये कोई बहुत बड़े आदमी है और बीजेपी आईटी सेल के हेड हैं। और उसके बाद फिर इनको बदनाम करते हुए आगे बातें की गई कि इन्होंने 50 लाख का ऑफर दिया है और कुछ झूठी बातें करने के लिए ये दबाव डाल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ, तब विकास पांडे जी ने कोर्ट केस किया है। उनके वकील ने ये दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। उनका कहना है कि वो बीजेपी आईटी सेल में नहीं है, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वो एक सोशल मीडिया पेज जरूर चलाते हैं जिसका नाम है आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी। आपने भी उसको लाइक किया होगा, फॉलो किया होगा। उसमें बहुत ही अच्छी अच्छी रोचक जानकारी है, मोदी जी के बारे में कुछ जरूरी जानकारियां, और जो जो हो रहा है, जहां वो जा रहे हैं, विदेश यात्राएं हो रही हैं, उनके बारे में न्यूज आती रहती हैं। लेकिन इन्होंने बदनाम करने के तहत ये जो है षड्यंत्र रची गई, जिसके लिए विकास पांडे जी ने कोर्ट केस किया है कि उनके खिलाफ षड्यंत्र जो है रचा गया है। उन्होंने कोई 50 लाख का काम नहीं किया है, वादा नहीं किया है, उन्होंने महावीर प्रसाद से बात भी नहीं की है और अभिषेक से भी नहीं की है, और ये सब जो है प्रोपोगंडा जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है उन्हें बदनाम करने के लिए। या हो सकता है कि उनका नाम लेकर बीजेपी आईटी सेल मोदी जी को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा हो। तो ये खुलासा कोर्ट में हो जाएगा, कोर्ट में केस फाइल हो गया है। जब भी जो है डेट आएगी, उस डेट पे जो भी कार्रवाई होगी, उसकी जानकारी मैं आपको वीडियो के तहत दे दूंगा और पूरी जानकारी रखूंगा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन सही, कौन गलत, कौन सच्चा, कौन झूठा। लेकिन जिस बंदे विकास पांडे जी ने कोर्ट केस किया है, आपको जान पड़ता है कि वो बंदा सच्चा मालूम पड़ रहा है, क्योंकि उस बंदे ने कोर्ट केस किया हुआ है कि मुझे फंसाया जा रहा है, मेरा नाम बदनाम किया जा रहा है। और जिस कॉल रिकॉर्डिंग की बात की गई, सुनाई गई, असल में वहां विकास पांडे कहीं है ही नहीं। वहां पे ना उनकी आवाज है, ना वहां पे वो मौजूद है। बस दो लोग आपस में किसी तीसरे शख्स विकास पांडे की बात कर रहे हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।